बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास जनरल साइंस के सॉल्व्ड एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम। बेटा, ये वीडियो पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिन्होंने पंजाब के किसी भी बोर्ड से जो है इस दफ़ा 9th क्लास जनरल साइंस का पेपर देना है। इस वीडियो में बेटा आपकी जो जनरल साइंस 9th क्लास की बुक है, उसकी पूरी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हलशुदा एमसीक्यूज बेटा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स वगैरह की वीडियो बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट वाला एमसीक्यूज बेटा हमारे पास है, इस्लामी कीमियागिरी का दौर कहलाता है 600 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक। इसका फर्स्ट वाला आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसका ये बी वाला आंसर है। थर्ड है ये, उसका भी ये बी वाला तजर्बा से। फोर्थ है उसका, ये बेटा आपका डी वाला आंसर है, फोर। इसी तरह फिफ्थ का आंसर भी दिया हुआ है, सिक्स का भी दिया हुआ है। ये बेटा मैं एक एक करके ऊपर करता जाऊंगा, आपने इनको जो है वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और कुछ बच्चे जो है बेटा वो मुझे मैसेज वगैरह कॉल वगैरह करते हैं, तो गुजारिश यही है कि आप बेटा मैसेज कॉल करें, लेकिन जो है वो रात को 10 बजे के बाद अगर किसी को फाइल चाहिए होती है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें। रात को 10 बजे के बाद मैं उसको सेंड कर दूँगा, इसकी PDF फाइल जो है उसके व्हाट्सएप नंबर पर। तो दिन के वक्त क्योंकि बेटा मैंने जो है पढ़ाना होता है, तो इसलिए बेटा जब आप बार बार कॉल करते हैं तो जो है वो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि थोड़ा सा जो है ना, आप रात के वक्त जो है अगर कोई फाइल वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये बेटा फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सबके बेटा सोल्यूशन भी साथ जो है वो गिवन दिए हुए हैं। ये बेटा 35, 6, 7, 8, 39 और फिर 40 है। पाकिस्तान के नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान का नाम डॉक्टर अब्दुल इस्लाम। इसी तरह बेटा नेक्स्ट आपके पास सारे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा जनरल साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सब की वीडियो भी बेटा मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, उनको भी अच्छे से आपने जो है वो देख लेना है। ये बेटा 51st चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर के बेटा ये स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट वाले का आंसर है ये 0.01 से 10% तक। सेकंड का ये है DNA। उसके बाद थर्ड का बेटा आपके पास ये है गिलर्ड। इसी तरह 4, 5, 6, 7 सो ऑन। ये बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ऊपर करता जाऊंगा, आपने इसको देखते जाना है। स्क्रीनशॉट लेके बेटा आप इसको तैयार कर सकते हैं, वीडियो को सेव करके कर सकते हैं, या मुझसे बेटा PDF की फाइल लेके भी आप इनको याद कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोज़ भी मैंने बेटा बना के अपलोड की हुई हैं, आप उनकी तैयारी भी कर सकते हो। ये 30 वाला 31, 2, 3, 4 सो ऑन बेटा आपके पास, ये तकरीबन आपके 200 के करीब MCQs हैं इस फाइल के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे, जो MCQs वाला पोर्शन होगा उसमें। ये बेटा आपके पास ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, एक औसत बच्चा डैश माह की उम्र में चलना शुरू करता है 13 से 15 माह की उम्र में बेटा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ये है, फोर्थ का, फिफ्थ का ये है लचक। इसी तरह 6, 7 सो ऑन। नेक्स्ट बेटा आपने इनको तैयार करते जाना है, मैं एक एक करके ऊपर करता जाता हूँ, आपने इनकी बेटा जो है वो देखते जाना है, साथ साथ इनको पढ़ते जाना है और तैयार करते जाना है। 9th क्लास जनरल साइंस के जो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी पूरी बुक के जो MCQs हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। ये बेटा 30 है, 31, 2, 3, 4, 5 ये बेटा आपके जो है थर्ड चैप्टर के MCQs चल रहे हैं। सो ऑन बेटा आपके पास ये 45 है। जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा आपके पास होंगे वो आपने सारे तैयार कर लेने हैं। ये 50 है,
विटामिन ए का बहुत बड़ा माखज़ है सब्जियाँ। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें बेटा ये आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। 10 है 11 है 12 है 13 है 14 15 16 बेटा आपके पास ये 19 है 20 21 2 3 ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं चैप्टर वाइज बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पूरी बुक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे मैं आपके साथ इसी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसको आपने अच्छे से बेटा तैयार कर लेना है ताकि पेपर में आपके एमसीक्यूज वाले पोर्शन में बेटा जो है वो फुल मार्क्स आ सके। ये बेटा 47, 8, 49, 50 ये बेटा आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर था। इसके बाद अगर हम लास्ट वाले चैप्टर की बात करें जो आपका 9th क्लास जनरल साइंस का है तो उसके बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। 1st है 2nd है साथ बेटा उनके आंसर भी हैं, यानी इनमें कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं है जो अनसॉल्व हो, सारे सॉल्व हैं, साथ साथ उनके आंसर भी दिए हुए हैं, टिक किए हुए हैं। तो आपने बेटा इसको अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। अगर आप बेटा इसको 30 से 40 मिनट के लिए अच्छे से जो है एक दफ़ा आप रीड कर लेते हैं तो आप बेटा जो है पेपर के एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 20 वाला है आबपाशी के लिए आम इस्तेमाल हो रहा है ट्यूबवेल। 21, 2, 3, 4, 25 है हीरे और पत्थर निकलते हैं जेम स्टोन से। इसी तरह 30 है पानी जंगलात और मदनियात वगैरह कहलाते हैं, वसाइल कहलाते हैं, सो ऑन बेटा। अगर मैं इनको एक एक को पढ़ के आपको जो है ना बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाए ताकि आप बेटा जो है जल्दी से जल्दी पेपर को प्रिपेयर कर लें। ये बेटा 44, 5, 6, 48, 49, 50, 51 ये बेटा आपके लास्ट चैप्टर के 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। आप इन सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो 9th क्लास जो जनरल साइंस का आपका पेपर होगा उसके एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में बेटा आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को बेटा आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।